गुप्त पापों के प्रायश्चित का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, अब मैं गुप्त पापों के प्रायश्चितों का वर्णन करता हूँ जो परम शुद्धि प्रद हैं। एक मास तक पुरुष सूक्त का जप पापों का नाश करने वाला है। अघमर्षण मंत्र का 3 बार जप करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वेद मंत्र, वायु सूक्त और यम सूक्त के जप एवं गायत्री का जप करने से मनुष्य अपने सब पापों को नष्ट कर डालता है। समस्त कृत्यों में मुंडन, स्नान, हवन और श्री हरि का पूजन विहित है। कृच्छ व्रत करने वाला दिन में खड़ा रहे और रात में बैठा रहे, इसे वीरासन कहा गया है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है। 1 महीने तक प्रतिदिन 8 ग्रास भोजन करे, इसे यति चांद्रायन कहते हैं। 1 मास तक नित्य प्रातःकाल 4 ग्रास और सायंकाल 4 ग्रास भोजन करने से शिशु चांद्रायन होता है। 1 मास में किसी भी प्कार 240 पिंड भोजन करे, यह सुर चंद्रायन की विधि है। 3 दिन गरम जल, 3 दिन गरम दूध, 3 दिन गरम घी और 3 दिन वायु पीकर रहे तो इसे तप्त कृच्छ कहा गया है। और इसी क्रम से 3 दिन ठंडा जल, 3 दिन ठंडा दूध, 3 दिन ठंडा घी और 3 दिन वायु पीने पर शीत कृच्छ होता है। 21 दिन तक केवल दूध पीकर रहने से कृच्छाति कृच्छ होता है। 1 दिन गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुश जल का भक्षण करके रहे तथा 1 दिन उपवास करे, इसे कृच्छ सांतपन व्रत माना गया है। सांतपन कृच्छ की वस्तुओं को 1-1 दिन के क्रम से लेने पर महासांतपन व्रत माना जाता है। इन्हीं वस्तुओं को 3-3 दिन के क्रम से ग्रहण करने पर अति सांतपन माना जाता है। 12 दिन निराहार रहने से पराक कृच्छ होता है। 3 दिन प्रातःकाल, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन बिना मांगे मिली हुई वस्तु का भोजन करें और अंत में 3 दिन उपवास रखें, इसे प्राजापत्य व्रत कहा गया है। इसी के एक चरण का अनुष्ठान कृच्छपात कहलाता है। 1 मास तक फल खाकर रहने से फल कृच्छ और बेल खाकर रहने से श्री कृच्छ होता है। इसी प्रकार पद्माक्ष, कमल गट्टा खाकर रहने से पद्माक्ष कृच्छ, आंवले खाकर रहने से आमलक कृच्छ और पुष्प खाकर रहने से पुष्प कृच्छ होता है। पूर्वोक्त क्रम से केवल पत्ते खाकर रहने से पत्र कृच्छ, जल पीकर रहने से जल कृच्छ, केवल मूल का भोजन करने से मूल कृच्छ और दधि, दुग्ध अथवा तक्र पर निर्भर रहने से क्रमशः दधि कृच्छ, दुग्ध कृच्छ और तक्र कृच्छ होते हैं। 1 मास तक अंजलि भर अन्न के भोजन से वायव्य कृच्छ होता है। 12 दिन केवल तिल का भोजन करके रहने से आग्नेय कृच्छ माना जाता है, जो दुखों का विनाश करने वाला है। 1 पक्ष तक 1 पसर लाज खील का भोजन करें। चतुर्दशी एवं पंचदशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा को उपवास रखें, फिर पंचगव्य पान करके हविष्यान का भोजन करें। यह ब्रह्म कूर्च व्रत होता है। इस व्रत को 1 मास में 2 बार करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य धन, पुष्टि, स्वर्ग एवं पाप नाश की कामना से देवताओं का आराधन और कृच्छ व्रत करता है, वे सब कुछ प्राप्त कर लेता है। समस्त पाप नाशक स्तोत्र। पुष्कर कहते हैं, जब मनुष्यों का चित पर स्त्री गमन, पर स्वाप हरण एवं जीव हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त होता है तो स्तुति करने से उसका प्रायश्चित होता है। उस समय निम्नलिखित प्रकार से भगवान श्री विष्णु की स्तुति करें। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो।
जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं, इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापाभारी श्री विष्णु का मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वरेश्वर प्रभो कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पापपूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए, आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पापपूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न अपराह्न सायकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष ऋषिकेश माधव, आपके इन तीन नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं। कमल नयन लक्ष्मीपते इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते सोते खड़े चलते अथवा जागते हुए मन वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते, जो गंध स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का शमन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्त्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वे शरीर मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्त्रोत का जप करें। यह स्त्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वाले के लिए भी ये श्रेष्ठ है। स्त्रोत जप और व्रत स्वरूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। अनेक विध प्रायश्चितों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं ब्रह्मा के द्वारा वर्णित पापों का नाश करने वाले प्रायश्चित बतलाता हूँ, जिससे प्राणों का शरीर से वियोग हो जाए, उस कार्य को हनन कहते हैं। जो राग द्वेष अथवा प्रमादवश दूसरे के द्वारा या स्वयं ब्राह्मण का वध करता है, वह ब्रह्मघाती होता है। यदि एक कार्य में तत्पर बहुत से शस्त्रधारी मनुष्यों में कोई एक ब्राह्मण का वध करता है, तो वे सब के सब घातक माने जाते हैं। ब्राह्मण किसी के द्वारा निंदित होने पर, मारा जाने पर या बंधन से पीड़ित होने पर, जिसके उद्देश्य से प्राणों का परित्याग कर देता है, उसे ब्रह्म हत्यारा माना गया है। औषधोपचार आदि उपकार करने पर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे पाप नहीं होता। पुत्र शिष्य अथवा पत्नी को दंड देने पर उनकी मृत्यु हो जाए, उस दशा में भी दोष नहीं होता। जिन पापों से मुक्त होने का उपाय नहीं बतलाया गया है, देश काल अवस्था शक्ति और पाप का विचार करके यत्न पूर्वक प्रायश्चित की व्यवस्था देनी चाहिए। गौ अथवा ब्राह्मण के लिए तत्काल अपने प्राणों का परित्याग कर दें, अथवा अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे डाले तो मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म हत्यारा मृतक के सिर का कपाल और ध्वज लेकर भिक्षान का भोजन करता हुआ, मैंने ब्राह्मण का वध किया है, इस प्रकार अपने पाप कर्म को प्रकाशित करे। वह 12 वर्ष तक नियमित भोजन करके शुद्ध होता है, अथवा शुद्धि के लिए प्रयत्न करने वाला ब्रह्मघाती मनुष्य 6 वर्षों में ही पवित्र हो जाता है। अज्ञानवश पाप कर्म करने वालों की अपेक्षा
जानबूझकर पाप करने वाले के लिए दुगना प्रायश्चित विहित है। ब्राह्मण के वध में प्रवृत्त होने पर 3 वर्ष तक प्रायश्चित करें। ब्रह्मघाती क्षत्रिय को दुगना तथा वैश्य एवं शूद्र को 6 गुना प्रायश्चित करना चाहिए। अन्य पापों का ब्राह्मण को संपूर्ण, क्षत्रिय को 3 चरण, वैश्य को आधा और शूद्र, वृद्ध, स्त्री, बालक एवं रोगी को 1 चरण प्रायश्चित करना चाहिए। क्षत्रिय का वध करने पर ब्रह्म हत्या का 1 पाद, वैश्य का वध करने पर 1/8 अंश और सदाचार परायण शूद्र का वध करने पर 1/16 अंश प्रायश्चित माना गया है। सदाचारिणी स्त्री की हत्या करके शूद्र हत्या का प्रायश्चित करें। गो हत्यारा संयमचित होकर 1 मास तक गौशाला में शयन करे, गौओं का अनुगमन करे और पंचगव्य पीकर रहे, फिर गोदान करने से वह शुद्ध हो जाता है। कृच्छ्र अथवा अति कृच्छ्र कोई भी व्रत हो, क्षत्रियों को उसके 3 चरणों का अनुष्ठान करना चाहिए। अत्यंत बूढ़ी, अत्यंत कृश, बहुत छोटी उम्र वाली अथवा रोगिनी स्त्री की हत्या करके द्विज पूर्वोक्त विधि के अनुसार ब्रह्म हत्या का 1/2 प्रायश्चित करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए और यथाशक्ति तिल एवं सुवर्ण का दान करें। मुक्के या थप्पड़ के प्रहार से, सींग तोड़ने से और लाठी आदि के मारने पर यदि गौ मर जाए तो उसे गौवध कहा जाता है। मारने, बांधने, गाड़ी आदि में जोतने, रोकने अथवा रस्सी का फंदा लगाने से गौ की मृत्यु हो जाए तो 3 चरण प्रायश्चित करें। काट से गोवध करने वाला सांतपन व्रत, ढेले से मारने वाला प्राजापत्य, पत्थर से हत्या करने वाला तप्त कृच्छ्र और शस्त्र से वध करने वाला अति कृच्छ्र करें। बिल्ली, गोह, नेवला, मेंढक, कुत्ता अथवा पक्षी की हत्या करके 3 दिन दूध पीकर रहे अथवा प्राजापत्य या चांद्रायन व्रत करें। गुप्त पाप होने पर गुप्त और प्रकट पाप होने पर प्रकट प्रायश्चित करें। समस्त पापों के विनाश के लिए 100 प्राणायाम करें। कटहल, द्राक्षा, महुआ, खजूर, ताड़, ईख और मुनक्के का रस तथा टंकमाध्विक, मैरेय और नारियल का रस, ये मादक होते हुए भी मद्य नहीं है। पैटी ही मुख्य सुरा मानी गई है। ये सब मदिराएं दूजों के लिए निषिद्ध हैं। सुरा पान करने वाला खौलता हुआ जल पीकर शुद्ध होता है अथवा सुरा पान के पाप से मुक्त होने के लिए 1 वर्ष तक जटा एवं ध्वजा धारण किए हुए वन में निवास करें। नित्य रात्रि के समय 1 बार चावल के कण या तिल की खली का भोजन करें। अज्ञान वश मल मूत्र अथवा मदिरा से छुए हुए पदार्थ का भक्षण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग पुनः संस्कार के योग्य हो जाते हैं। सुरा पात्र में रखा हुआ जल पीकर 7 दिन व्रत करें। चांडाल का जल पीकर 6 दिन उपवास रखें तथा चांडालों के कुएं अथवा पात्र का पानी पीकर सांतपन व्रत करें। अंत्यज का जल पीकर द्विज 3 रात उपवास रखकर पंचगव्य का पान करें। नवीन जल या जल के साथ मत्स्य, कंटक, शंभूक, शंख, सीप और कौड़ी पीने पर पंचगव्य का आचमन करने से शुद्धि होती है। शव युक्त कूप का जल पीने पर मनुष्य 3 रात्र व्रत करने से शुद्ध होता है। चांडाल का अन्न खाकर चांद्रायन व्रत करें। आपत्काल में शूद्र के घर भोजन करने पर पश्चाताप से शुद्धि हो जाती है। शूद्र के पात्र में भोजन करने वाला ब्राह्मण उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। कंदुपक्व, भुजा, स्नेह पक्व, घी तेल में पके पदार्थ, घी तेल, दही, सत्तू, गुड़, दूध और रस आदि, ये वस्तुएं शूद्र के घर से ली जाने पर भी निंदित नहीं है। बिना स्नान किए भोजन करने वाला 1 दिन उपवास रखकर दिन भर जप करने से पवित्र होता है। मूत्र त्याग करके अशौचावस्था में भोजन करने पर 3 रात्र व्रत से शुद्धि होती है। केश एवं कीट से युक्त, जानबूझकर पैर से छुआ हुआ, भ्रूण घाती का देखा हुआ, रजस्वला स्त्री का छुआ हुआ, कौए आदि पक्षियों का झूठा किया हुआ, कुत्ते का स्पर्श किया हुआ अथवा गौ का सूंघा हुआ अन्न खाकर 3 दिन उपवास करे। वीर्य, मल या मूत्र का भक्षण करने पर प्राजापत्य व्रत करे। नव श्राद्ध में चांद्रायन, मासिक श्राद्ध में पराक व्रत,
त्रिपाक्षिक श्राद्ध में अतिकृच, षाण मासिक श्राद्ध में प्राजापत्य और वार्षिक श्राद्ध में एक पाद प्राजापत्य व्रत करें। पहले और दूसरे दोनों दिन वार्षिक श्राद्ध हो तो दूसरे वार्षिक श्राद्ध में एक दिन का उपवास करें। निषिद्ध वस्तु का भक्षण करने पर उपवास करके प्रायश्चित करें। भूतरण, छत्राक, लहसुन और शिग्रुक, श्वेत मरीच खा लेने पर एक पाद प्राजापत्य करें। अभोज्यन, शूद्र का अन्न, स्त्री एवं शूद्र का उच्चिष्ट या अभक्षय मास का भक्षण करके 7 दिन केवल दूध पीकर रहे। जो ब्रह्मचारी, सन्यासी अथवा व्रतस्थ द्विज मधु मास या जनना शौच एवं मरना शौच का अन्न भोजन कर लेता है वह प्राजापत्य कृच करे। अन्याय पूर्वक दूसरे का धन हड़प लेने को चोरी कहते हैं। सुवर्ण की चोरी करने वाला राजा के द्वारा मूसल से मारे जाने पर शुद्ध होता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला, सुरापान करने वाला, ब्रह्मघाती और गुरु पत्नी गामी 12 वर्ष तक भूमि पर शयन और जटा धारण करे। वह एक समय केवल पत्ते और फल मूल का भोजन करने से शुद्ध होता है। चोरी अथवा सुरापान करके 1 वर्ष तक प्राजापत्य व्रत करे। मणि, मोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा और पत्थर की चोरी करने वाला 12 दिन चावल के कण खाकर रहे। मनुष्य, स्त्री, क्षेत्र, ग्रह, बावली, कूप और तालाब का अपहरण करने पर चांद्रायण व्रत से शुद्धि मानी गई है। भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थ, सवारी, शैया, आसन, पुष्प, मूल अथवा फल की चोरी करने वाला पंचगव्य पीकर शुद्ध होता है। तृण, काष्ठ, वृक्ष, सूखा अन्न, गुड़, वस्त्र, चर्म या मांस चुराने वाला 3 दिन निराहार रहे। सौतेली माँ, बहन, गुरु पुत्री, गुरु पत्नी और अपनी पुत्री से समागम करने वाला गुरु पत्नी गामी माना गया है। गुरु पत्नी गमन करने पर अपने पाप की घोषणा करके जलते हुए लोहे की शैया पर तप्त लौहमयी स्त्री का आलिंगन करके प्राण त्याग करने से शुद्ध होता है। अथवा गुरु पत्नी गामी 3 मास तक चांद्रायन व्रत करे। पतित स्त्रियों के लिए भी इसी प्रायश्चित का विधान करे। पुरुष को पर स्त्री गमन करने पर जो प्रायश्चित बतलाया गया है वही उनसे करावे। कुमारी कन्या, चांडाली, पुत्री और अपने सपिंड तथा पुत्र की पत्नी में वीर्य सेचन करने वाले को प्राण त्याग कर देना चाहिए। द्विज 1 रात शूद्रा का सेवन करके जो पाप संचित करता है वे 3 वर्ष तक नित्य गायत्री जप एवं भिक्षान का भोजन करने से नष्ट होता है। चाची, भाभी, चांडाली, पुक्कसी, पुत्रवधू, बहन, सखी, मौसी, बुआ, निक्षिप्ता, धरोहर के रूप में रखी हुई, शरणागता, मामी, सगोत्रा बहन, दूसरे को चाहने वाली स्त्री, शिष्य पत्नी अथवा गुरु पत्नी से गमन करके चांद्रायन व्रत करें। प्रायश्चितों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, देव मंदिर के पूजन आदि का लोप करने पर प्रायश्चित करना चाहिए। पूजा का लोप करने पर 108 बार जप करें और दुगनी पूजा की व्यवस्था करके पंचोपनिषद मंत्रों से हवन कर ब्राह्मण भोजन करावे। सूती का स्त्री, अंत्यज अथवा रचस्वला द्वारा देव मूर्ति का स्पर्श होने पर 100 बार गायत्री जप करे। दुगुना स्नान करके पंचोपनिषद मंत्रों से पूजन एवं ब्राह्मण भोजन कराए। होम का नियम भंग होने पर होम, स्नान और पूजन करे। होम द्रव्य को चूहे आदि खा ले या वे कीट युक्त हो जाए तो उतना अंश छोड़कर तथा शेष द्रव्य का जल से प्रोक्षण करके देवताओं का पूजन करे। भले ही अंकुर मात्र अर्पण करे परंतु छिन्न भिन्न द्रव्य का बहिष्कार कर दे। अस्पृश्य मनुष्यों का स्पर्श हो जाने पर पूजा द्रव्य को दूसरे पात्र में रख दे। पूजा के समय मंत्र अथवा द्रव्य की त्रुटि होने पर देव एवं मानुष विघ्नों का विनाश करने वाले गणपति के बीच मंत्र का जप करके पुनः पूजन करे। देव मंदिर का कलश नष्ट हो जाने पर 100 बार मंत्र जप करे।
देव मूर्ति के हाथ से गिरने एवं नष्ट हो जाने पर उपवास पूर्वक अग्नि में 100 आहुतियां देने से शुभ होता है। जिस पुरुष के मन में पाप करने पर पश्चाताप होता है उसके लिए श्री हरि का स्मरण ही परम प्रायश्चित है। चांद्रायण, पराग एवं प्राजापत्य व्रत पाप समूहों का विनाश करने वाले हैं। सूर्य, शिव, शक्ति और विष्णु के मंत्र का जप भी पापों का प्रशमन करता है। गायत्री, प्रणव, पाप प्रणाशन स्त्रोत एवं मंत्र का जप पापों का अंत करने वाला है। सूर्य, शिव, शक्ति और विष्णु के क से प्रारंभ होने वाले रा बीज से संयुक्त रादि, आदि और रांत मंत्र करोड़ गुना फल देने वाले हैं। इनके सिवा ओम क्लीम से प्रारंभ होने वाले चतुर्थ्यंत एवं अंत में नमः संयुक्त मंत्र संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं। नरसिंह भगवान के द्वादशाक्षर एवं अष्टाक्षर मंत्र का जप पाप समूहों का विनाश करता है। अग्नि पुराण का पठन एवं श्रवण करने से भी मनुष्य समस्त पाप समूहों से छूट जाता है। इस पुराण में अग्नि देव का महात्म्य भी वर्णित है। परमात्मा श्री विष्णु ही मुख्य स्वरूप अग्नि देव हैं, जिनका संपूर्ण वेदों में गान किया गया है। भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले उन परमेश्वर का प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग से भी पूजन किया जाता है। अग्नि रूप में स्थित श्री विष्णु के उद्देश्य से हवन, जप, ध्यान, पूजन, स्तवन एवं नमस्कार शरीर संबंधी सभी पापों का विध्वंस करने वाला है। 10 प्रकार के स्वर्ण दान, 12 प्रकार के धान्य दान, तुला पुरुष आदि 16 महादान एवं सर्वश्रेष्ठ अन्न दान, ये सब महापापों का अपहरण करने वाले हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, संक्रांति, योग, मनवंतारंभ आदि के समय सूर्य, शिव, शक्ति तथा विष्णु के उद्देश्य से किए जाने वाले व्रत आदि पापों का प्रशमन करते हैं। गंगा, गया, प्रयाग, अयोध्या, उज्जैन, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, नैमिषारण्य, पुरुषोत्तम क्षेत्र, शालग्राम, प्रभास क्षेत्र आदि तीर्थ पाप समूहों को विनष्ट करते हैं। मैं परम प्रकाश स्वरूप बल हूँ, इस प्रकार की धारणा भी पापों का विनाश करने वाली है। ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान के अवतार, समस्त देवताओं की प्रतिमा प्रतिष्ठा एवं पूजन, ज्योतिष, पुराण, स्मृतियां, तप, व्रत, अर्थशास्त्र, सृष्टि के आदि तत्व, आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिक्षा, छंदः शास्त्र, व्याकरण, निरुक्त, कोश, कल्प, न्याय, मीमांसा शास्त्र एवं अन्य सब कुछ भी भगवान श्री विष्णु की विभूतियां हैं। वे श्री हरि एक होते हुए भी सगुण निर्गुण दो रूपों में विभक्त एवं संपूर्ण संसार में सन्निहित हैं। जो ऐसा जानता है, श्री हरि स्वरूप उन महापुरुष का दर्शन करने से दूसरों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि ही अष्टादश विद्या रूप, सूक्ष्म, स्थूल, सचित स्वरूप, अविनाशी पर ब्रह्म एवं निष्पाप विष्णु हैं। व्रत के विषय में अनेक ज्ञातव्य बातें। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी, अब मैं तिथि, वार, नक्षत्र, दिवस, मास, ऋतु, वर्ष तथा सूर्य संक्रांति के अवसर पर होने वाले स्त्री पुरुष संबंधी व्रत आदि का क्रमशः वर्णन करूंगा। ध्यान देकर सुनिए। शास्त्रोक्त नियम को ही व्रत कहते हैं, वही तप माना गया है। दम, इंद्रिय संयम और शम, मनोनिग्रह आदि विशेष नियम भी व्रत के ही अंग हैं। व्रत करने वाले पुरुष को शारीरिक संताप सहन करना पड़ता है, इसलिए व्रत को तप नाम दिया गया है। इसी प्रकार व्रत में इंद्रिय समुदाय का नियमन संयम करना होता है, इसलिए उसे नियम भी कहते हैं। जो ब्राह्मण या द्विज, क्षत्रिय, वैश्य, अग्निहोत्री नहीं है, उनके लिए व्रत, उपवास, नियम तथा नाना प्रकार के दानों से कल्याण की प्राप्ति बताई गई है। उक्त व्रत, उपवास आदि के पालन से प्रसन्न होकर देवता एवं भगवान भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। पापों से उपावृत
निवृत्त होकर सब प्रकार के भोगों का त्याग करते हुए जो सद्गुणों के साथ वास करता है उसी को उपवास समझना चाहिए। उपवास करने वाले पुरुष को कांसे के बर्तन, मांस, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराय अन्न तथा स्त्री संभोग का त्याग करना चाहिए। उपवास काल में फूल, अलंकार, सुंदर वस्त्र, धूप, सुगंध, अंगराग, दांत धोने के लिए मंजन तथा दांतोन, इन सब वस्तुओं का सेवन अच्छा नहीं माना गया है। प्रातः काल जल से मुंह धो कुल्ला करके पंचगव्य लेकर व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। अनेक बार जल पीने, पान खाने, दिन में सोने तथा मैथुन करने से उपवास व्रत दूषित हो जाता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय संयम, देव पूजा, अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरी का अभाव, ये 10 नियम सामान्यतः संपूर्ण व्रतों में आवश्यक माने गए हैं। व्रत में पवित्र ऋचाओं को जपे और अपनी शक्ति के अनुसार हवन करे। व्रती पुरुष प्रतिदिन स्नान तथा परिमित भोजन करे। गुरु, देवता तथा ब्राह्मणों का पूजन किया करे। क्षार, शहद, नमक, शराब और मांस को त्याग दे। तिल, मूंग आदि के अतिरिक्त धान्य भी त्याज्य हैं। धान्य अन्न में उड़द, कोदो, चीना, देव धान्य, शमी धान्य, गुड़, शित धान्य, पय तथा मूली, ये क्षार गण माने गए हैं। व्रत में इनका त्याग कर देना चाहिए। धान, साठी का चावल, मूंग, मटर, तिल, जौ, सांवा, तिन्नी का चावल और गेहूं आदि अन्न व्रत में उपयोगी हैं। कुम्हरा, लौकी, बैंगन, पालक तथा पुतिका को त्याग दें। चरु, भिक्षा में प्राप्त अन्न, सत्तू के दाने, साग, दही, घी, दूध, सांवा, अगहनी का चावल, तिन्नी का चावल, जौ का हलवा तथा मूल तंडुल, ये हविष्य माने गए हैं। इन्हें व्रत में, नक्त व्रत में तथा अग्निहोत्र में भी उपयोगी बताया गया है। अथवा मांस, मदिरा आदि अपवित्र वस्तुओं को छोड़कर सभी उत्तम वस्तुएं व्रत में हितकर हैं। प्राजापत्य व्रत का अनुष्ठान करने वाला द्विज 3 दिन केवल प्रातः काल और 3 दिन केवल संध्या काल में भोजन करे। फिर 3 दिन केवल बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी का दिन में एक समय भोजन करे। उसके बाद 3 दिनों तक उपवास करके रहे। इस प्रकार ये 12 दिनों का व्रत है। इसी प्रकार अतिक्रचत व्रत का अनुष्ठान करने वाला द्विज पूर्ववत 3 दिन प्रातः काल, 3 दिन सायकाल और 3 दिनों तक बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न का 1-1 ग्रास भोजन करे तथा अंतिम दिनों में उपवास करे। गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही, घी तथा कुश का जल, इन सबको मिलाकर प्रथम दिन पिए, फिर दूसरे दिन उपवास करे। ये सांतपन क्रच नामक व्रत है। उपर्युक्त द्रव्यों का पृथक पृथक 1-1 दिन के क्रम से 6 दिनों तक सेवन करके 7वें दिन उपवास करे। इस प्रकार यह 1 सप्ताह का व्रत महासांतपन क्रच कहलाता है, जो पापों का नाश करने वाला है। लगातार 12 दिनों के उपवास से संपन्न होने वाले व्रत को पराग कहते हैं। ये सब पापों का नाश करने वाला है। इससे तिगुने अर्थात 36 दिनों तक उपवास करने पर यही व्रत महापराग कहलाता है। पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन करके प्रतिदिन 1-1 ग्रास घटाता रहे। अमावस्या को उपवास करे तथा प्रतिपदा को 1 ग्रास भोजन आरंभ करके नित्य 1-1 ग्रास बढ़ाता रहे। इसे चांद्रायण कहते हैं। इसके विपरीत क्रम से भी यह व्रत किया जाता है। जैसे शुक्ल प्रतिपदा को 1 ग्रास भोजन करे, फिर 1-1 ग्रास बढ़ाते हुए पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन करे। तत्पश्चात कृष्ण प्रतिपदा से 1-1 ग्रास घटाकर अमावस्या को उपवास करे। कपिला गाय का मूत्र 1 पल, गोबर अंगूठे के आधे हिस्से के बराबर, दूध 7 पल, दही 2 पल, घी 1 पल तथा कुश का जल 1 पल 1 में मिला दे। इनका मिश्रण करते समय गायत्री मन से गोमूत्र डाले। गंध द्वाराम दुराधर श्याम, इस मंत्र से गोबर मिलाए। आप्यायस्व, इस मंत्र से दूध डाल दे। दधि क्रावणो,
इस मंत्र से दही मिलाए, तेजो असी शुक्रम अस्य मृतम असी इस मंत्र से घी डाले तथा देवस्य इस मंत्र से कुशोदक मिलाए। इस प्रकार जो वस्तु तैयार होती है उसका नाम ब्रह्मकूर्च है। ब्रह्मकूर्च तैयार होने पर दिन भर भूखा रहकर सायंकाल में अघमर्षण मंत्र अथवा प्रणव के साथ आपोहिष्ठा इत्यादि ऋचाओं का जप करके उसे पी डाले। ऐसा करने वाला सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। दिन भर उपवास करके केवल सायंकाल में भोजन करने वाला, दिन के 8 भागों में से केवल 6ठे भाग में आहार ग्रहण करने वाला सन्यासी, मांस त्यागी, अश्वमेध यज्ञ करने वाला तथा सत्यवादी पुरुष स्वर्ग को जाते हैं। अगन्याधान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रत, देवव्रत, वृषोत्सर्ग, चूड़ाकरण, मेखला बंध, यज्ञोपवीत, विवाह आदि मांगलिक कार्य तथा अभिषेक, ये सब कार्य मल मास में नहीं करने चाहिए। अमावस्या से अमावस्या तक का समय चांद्र मास कहलाता है। 30 दिनों का सावन मास माना गया है। संक्रांति से संक्रांति काल तक सौर मास कहलाता है तथा क्रमशः संपूर्ण नक्षत्रों के परिवर्तन से नक्षत्र मास होता है। विवाह आदि में सौर मास, यज्ञ आदि में सावन मास और वार्षिक श्राद्ध तथा पितृ कार्य में चांद्र मास उत्तम माना गया है। आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद जो पांचवा पक्ष आता है उसमें पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। उस समय सूर्य कन्या राशि पर गए हैं या नहीं इसका विचार श्राद्ध के लिए अनावश्यक है। मासिक तथा वार्षिक व्रत में जब कोई तिथि 2 दिन की हो जाए तो उसमें दूसरे दिन वाली तिथि उत्तम जाननी चाहिए और पहली को मलिन। नक्षत्र व्रत में उसी नक्षत्र को उपवास करना चाहिए जिसमें सूर्य अस्त होते हों। दिवस व्रत में दिन व्यापिनी तथा नक्त व्रत में रात्रि व्यापिनी तिथियां पुण्य एवं शुभ मानी गई हैं। द्वितीया के साथ तृतीया का, चतुर्थी पंचमी का, षष्ठी के साथ सप्तमी का, अष्टमी नवमी का, एकादशी के साथ द्वादशी का, चतुर्दशी के साथ पूर्णिमा का तथा अमावस्या के साथ प्रतिपदा का वेद उत्तम है। इसी प्रकार षष्ठी सप्तमी आदि में भी समझना चाहिए। इन तिथियों का मेल महान फल देने वाला है। इसके विपरीत अर्थात प्रतिपदा से द्वितीया का, तृतीया से चतुर्थी आदि का जो युग्म भाव है वे बड़ा भयानक होता है। वे पहले के किए हुए समस्त पुण्य को नष्ट कर देता है। राजा, मंत्री तथा व्रतधारी पुरुषों के लिए विवाह में, उपद्रव आदि में, दुर्गम स्थानों में, संकट के समय तथा युद्ध के अवसर पर तत्काल शुद्धि बताई गई है। जिसने दीर्घ काल में समाप्त होने वाले व्रत को आरंभ किया है, वह स्त्री यदि बीच में रजस्वला हो जाए तो वह रज उसके व्रत में बाधक नहीं होता। गर्भवती स्त्री, प्रसव गृह में पड़ी हुई स्त्री अथवा रजस्वला कन्या जब अशुद्ध होकर व्रत करने योग्य न रह जाए तो सदा दूसरे से उस शुभ कार्य का संपादन कराए। यदि क्रोध से, प्रमाद से अथवा लोभ से व्रत भंग हो जाए तो 3 दिनों तक भोजन न करें अथवा मूंड मुड़ा लें। यदि व्रत करने में असमर्थता हो तो पत्नी या पुत्र से उस व्रत को करावे। आरंभ किए हुए व्रत का पालन जनना शौच तथा मरना शौच में भी करना चाहिए। केवल पूजन का कार्य बंद कर देना चाहिए। यदि व्रती पुरुष उपवास के कारण मूर्छित हो जाए तो गुरु दूध पिलाकर या और किसी उत्तम उपाय से उसे होश में लाए। जल, फल, मूल, दूध, हविष्य, घी, ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति, गुरु का वचन तथा औषध, ये 8 व्रत के नाशक नहीं है। व्रती मनुष्य व्रत के स्वामी देवता से इस प्रकार प्रार्थना करे। व्रतपते, मैं कीर्ति, संतान, विद्या आदि, सौभाग्य, आरोग्य, अभिवृद्धि, निर्मलता तथा भोग एवं मोक्ष के लिए इस व्रत का अनुष्ठान करता हूँ। ये श्रेष्ठ व्रत मैंने आपके समक्ष ग्रहण किया है। जगतपते, आपके प्रसाद से इसमें निर्विघ्न सिद्धि प्राप्त हो। संतों के पालक, इस श्रेष्ठ व्रत को ग्रहण करने के पश्चात यदि इसकी पूर्ति हुए बिना ही मेरी मृत्यु हो जाए तो भी आपके प्रसन्न होने से वे अवश्य ही पूर्ण हो जाए। केशव, आप व्रत स्वरूप हैं, संसार की उत्पत्ति के स्थान एवं जगत को कल्याण प्रदान करने वाले हैं।
मैं संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए इस मंडल में आपका आवाहन करता हूँ। आप मेरे समीप उपस्थित हों। मन के द्वारा प्रस्तुत किए हुए पंचगव्य, पंचामृत तथा उत्तम जल के द्वारा मैं भक्ति पूर्वक आपको स्नान कराता हूँ। आप मेरे पापों के नाशक हों। अर्घ्यपते, गंध, पुष्प और जल से युक्त उत्तम अर्घ्य एवं पाद्य ग्रहण कीजिए, आचमन कीजिए तथा मुझे सदा अर्घ सम्मान पाने के योग्य बनाइए। वस्त्रपते, व्रतों के स्वामी, ये पवित्र वस्त्र ग्रहण कीजिए और मुझे सदा सुंदर वस्त्र एवं आभूषणों आदि से आच्छादित किए रहिए। गंध स्वरूप परमात्मन, ये परम निर्मल उत्तम सुगंध से युक्त चंदन लीजिए तथा मुझे पाप की दुर्गंध से रहित और पुण्य की सुगंध से युक्त कीजिए। भगवान, ये पुष्प लीजिए और मुझे सदा फल फूल आदि से परिपूर्ण बनाइए। ये फूल की निर्मल सुगंध आयु तथा आरोग्य की वृद्धि करने वाली हो। संतों के स्वामी, गुग्गुल और घी मिलाए हुए इस दशांग धूप को ग्रहण कीजिए। धूप द्वारा पूजित परमेश्वर, आप मुझे उत्तम धूप की सुगंध से संपन्न कीजिए। दीप स्वरूप देव, सबको प्रकाशित करने वाले इस प्रकाश पूर्ण दीप को, जिसकी शिखा ऊपर की ओर उठ रही है, ग्रहण कीजिए और मुझे भी प्रकाश युक्त एवं ऊर्ध्व गति, उन्नतिशील एवं ऊपर के लोकों में जाने वाला बनाइए। अन्न आदि उत्तम वस्तुओं के अधीश्वर, इस अन्न आदि नैवेद्य को ग्रहण कीजिए और मुझे ऐसा बनाइए जिससे मैं अन्न आदि वैभव से संपन्न, अन्नदाता एवं सर्वस्व दान करने वाला हो सकूं। प्रभो, व्रत के द्वारा आराध्य देव, मैंने मंत्र, विधि तथा भक्ति के बिना ही जो आपका पूजन किया है, वह आपकी कृपा से परिपूर्ण सफल हो जाए। आप मुझे धर्म, धन, सौभाग्य, गुण, संतति, कीर्ति, विद्या, आयु, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करें। व्रतपते, प्रभो, आप इस समय मेरे द्वारा की हुई इस पूजा को स्वीकार करके पुनः यहाँ पधारने और वरदान देने के लिए अपने स्थान को जाएं। सब प्रकार के व्रतों में व्रतधारी पुरुष को उचित है कि वे स्नान करके व्रत संबंधी देवता की स्वर्णमयी प्रतिमा का यथाशक्ति पूजन करे तथा रात को भूमि पर सोए। व्रत के अंत में जप, होम और दान सामान्य कर्तव्य है। साथ ही अपनी शक्ति के अनुसार 24, 12, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण की एवं गुरुजनों की पूजा करके उन्हें भोजन करावे और यथाशक्ति सबको पृथक पृथक गौ, सुवर्ण आदि, खड़ाऊ, जूता, जल पात्र, अन्न पात्र, मृतिका, छत्र, आसन, शैया, 2 वस्त्र और कलश आदि वस्तुएं दक्षिणा में दे। इस प्रकार यहाँ व्रत की परिभाषा बताई गई है। प्रतिपदा तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं आपसे प्रतिपद आदि तिथियों के व्रतों का वर्णन करूंगा जो संपूर्ण मनोरथों को देने वाले हैं। कार्तिक, आश्विन और चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की प्रतिपद ब्रह्मा जी की तिथि है। पूर्णिमा को उपवास करके प्रतिपद को ब्रह्मा जी का पूजन करें। पूजा ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से अथवा गायत्री मंत्र से करनी चाहिए। यह व्रत 1 वर्ष तक करें। ब्रह्मा जी के सुवर्णमय विग्रह का पूजन करें, जिसके दाहिने हाथों में स्फटिकाक्ष की माला और स्रुवा हो तथा बाएं हाथों में श्रुक एवं कमंडलू हो। साथ ही लंबी दाढ़ी और सिर पर जटा भी हो। यथाशक्ति दूध चढ़ावे और मन में ये उद्देश्य रखे कि ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न हो। यूं करने वाला मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्ग में उत्तम भोग भोगता है और पृथ्वी पर धनवान ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है। अब मैं धन्य व्रत का वर्णन करता हूँ। इसका अनुष्ठान करने से अधन्य भी धन्य हो जाता है। पहले मार्गशीर्ष मास की प्रतिपद को उपवास करके रात में अग्नये नमः इस मंत्र से होम और अग्नि की पूजा करें। इसी प्रकार 1 वर्ष तक प्रत्येक मास की प्रतिपद को अग्नि की आराधना करने से मनुष्य सब सुखों का भागी होता है। प्रत्येक प्रतिपदा को 1 भुक्त दिन में 1 समय भोजन करके रहे। साल भर में व्रत की समाप्ति होने पर ब्राह्मण कपिला गौ दान करे। ऐसा करने वाला मनुष्य वैश्वानर पद को प्राप्त होता है।
यह शिखी व्रत कहलाता है। द्वितीय तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं द्वितीय के व्रतों का वर्णन करूंगा, जो भोग और मोक्ष आदि देने वाले हैं। प्रत्येक मास की द्वितीय को फूल खाकर रहें और दोनों अश्विनी कुमार नामक देवताओं की पूजा करें। एक वर्ष तक इस व्रत के अनुष्ठान से सुंदर स्वरूप एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अंत में व्रती पुरुष स्वर्ग लोक का भागी होता है। कार्तिक में शुक्ल पक्ष की द्वितीय को यम की पूजा करें। फिर एक वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल द्वितीय को उपवास पूर्वक व्रत रखें। ऐसा करने वाला पुरुष स्वर्ग में जाता है, नरक में नहीं पड़ता। अब अशून्य शयन नामक व्रत बतलाता हूँ, जो स्त्रियों को अवैधव्य सदा सुहाग और पुरुषों को पत्नी सुख आदि देने वाला है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय को इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत में भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की जाती है। वक्ष्य स्थल में श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले श्रीकांत, आप लक्ष्मी जी के धाम और स्वामी हैं, अविनाशी एवं सनातन परमेश्वर हैं। आपकी कृपा से धर्म अर्थ और काम प्रदान करने वाला मेरा गार्हस्थ्य आश्रम नष्ट ना हो। मेरे घर के अग्निहोत्र की आग कभी ना बुझे। ग्रह देवता कभी अदृश्य ना हो। मेरे पितर नाश से बचे रहें और मुझसे दाम्पत्य भेद ना हो। जैसे आप कभी लक्ष्मी जी से विलग नहीं होते, उसी प्रकार मेरा भी पत्नी के साथ का संबंध कभी टूटने या छूटने ना पावे। वरदानी प्रभो, जैसे आपकी शैया कभी लक्ष्मी जी से सुनी नहीं होती, मधुसूदन उसी प्रकार मेरी शैया भी पत्नी से सुनी ना हो। इस प्रकार व्रत आरंभ करके एक वर्ष तक प्रतिमास की द्वितीय को श्री लक्ष्मी और विष्णु का विधिवत पूजन करें, शैया और फल का दान भी करें। साथ ही प्रत्येक मास में उसी तिथि को चंद्रमा के लिए मंत्रोच्चारण पूर्वक अर्घ दें। अर्घ का मंत्र, भगवान चंद्रदेव आप गगन प्रांगण के दीपक हैं, क्षीर सागर के मंथन से आपका आविर्भाव हुआ है। आप अपनी प्रभा से संपूर्ण दिग्मंडल को प्रकाशित करते हैं। भगवती लक्ष्मी के छोटे भाई आपको नमस्कार है। तत्पश्चात ओम श्रम श्रीधराय नमः इस मंत्र से सोम स्वरूप श्री हरि का पूजन करें। घन तन हन सन श्रीय नमः इस मंत्र से लक्ष्मी जी की तथा दश रूप महात्मने नमः इस मंत्र से श्री विष्णु की पूजा करें। रात में घी से हवन करके ब्राह्मण को शैया दान करें। उसके साथ दीप, अन्न से भरे हुए पात्र, छाता, जूता, आसन, जल से भरा कलश, श्री हरि की प्रतिमा तथा पात्र भी ब्राह्मण को दें। जो इस प्रकार उक्त व्रत का पालन करता है, वह भोग और मोक्ष का भागी होता है। अब कांति व्रत का वर्णन करता हूँ। इसका प्रारंभ कार्तिक शुक्ला द्वितीय को करना चाहिए। दिन में उपवास और रात में भोजन करें। इसमें बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। एक वर्ष तक ऐसा करने से व्रती पुरुष कांति, आयु और आरोग्य आदि प्राप्त करता है। अब मैं विष्णु व्रत का वर्णन करूंगा, जो मनोवांछित फल को देने वाला है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय से आरंभ करके लगातार 4 दिनों तक इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। पहले दिन सरसों मिश्रित जल से स्नान का विधान है। दूसरे दिन काले तिल मिलाए हुए जल से स्नान बताया गया है। तीसरे दिन वचा या वच नामक औषधि से युक्त जल के द्वारा तथा चौथे दिन सर्वौषधि मिश्रित जल के द्वारा स्नान करना चाहिए। मुरा, कपूर कचरी, वचा, वच, कुष्ठ, कूट, शैले, शिलाजीत या भूरी छरीला, 2 प्रकार की हल्दी, गांठ हल्दी और दारू हल्दी, कचूर, चंपा और मोथा, ये सर्वौषधि समुदाय कहा गया है। पहले दिन श्री कृष्णाय नमः, दूसरे दिन अच्युताय नमः, तीसरे दिन अनंताय नमः और चौथे दिन ऋषिकेशाय नमः। इस नाम मंत्र से क्रमशः भगवान के चरण, नाभि, नेत्र एवं मस्तक पर पुष्प समर्पित करते हुए पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन प्रदोष काल में चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। पहले दिन के अर्घ्य में शशिनेय नमः, दूसरे दिन के अर्घ्य में चंद्राय नमः, तीसरे दिन शशांकाय नमः और चौथे दिन इंदवे नमः का उच्चारण करना चाहिए।
रात में जब तक चंद्रमा दिखाई देते हो तभी तक मनुष्य को भोजन कर लेना चाहिए। व्रती पुरुष 6 मास या 1 साल तक इस व्रत का पालन करके संपूर्ण मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल में राजाओं ने, स्त्रियों ने और देवता आदि ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया था। तृतीया तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं आपके सम्मुख तृतीया तिथि को किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करूंगा, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ललिता तृतीया को किए जाने वाले मूल गौरी संबंधी सौभाग्यशयन व्रत को सुनिए। चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही पार्वती का भगवान शिव के साथ विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करके पार्वती सहित भगवान शंकर की स्वर्णाभूषण और फल आदि से पूजा करनी चाहिए। नमोस्तु पाटलाय, पाटला देवी को नमस्कार, ये कहकर पार्वती देवी और भगवान शंकर के चरणों की पूजा करें। शिवाय नमः, भगवान शिव को नमस्कार, ये कहकर शिव की और जयायै नमः, जया को नमस्कार, यूं कहकर गौरी देवी की अर्चना करें। त्रिपुरध्यनाय रुद्राय नमः, त्रिपुर विनाशक रुद्रदेव को नमस्कार, तथा भवान्यै नमः, भवानी को नमस्कार, ये कहकर क्रमशः शिव पार्वती की दोनों जंघाओं का और रुद्राईश्वराय नमः, सबके ईश्वर रुद्रदेव को नमस्कार है, एवं विजयाय नमः, विजया को नमस्कार, ये कहकर क्रमशः शंकर और पार्वती के घुटनों का पूजन करें। ईशाय नमः, सर्वेश्वरी को नमस्कार, ये कहकर देवी के और शंकराय नमः, ऐसा कहकर शंकर के कटी भाग की पूजा करें। कोटव्यय नमः, कोटवी देवी को नमस्कार, और शूलपाणय नमः, त्रिशूलधारी को नमस्कार, यूं कहकर क्रमशः गौरी शंकर के कुक्षी देश का पूजन करें। मंगलाय नमः, मंगला देवी को नमस्कार, कहकर भवानी के और तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार, ये कहकर शंकर के उदर का पूजन करें। सर्वात्मने नमः, संपूर्ण प्राणियों के आत्मभूत शिव को नमस्कार, यूं कहकर रुद्र के और ईशान्यै नमः, ईशानी को नमस्कार, कहकर पार्वती के स्तन युगल का पूजन करें। देवात्मने नमः, देवताओं के आत्मभूत शंकर को नमस्कार, ये कहकर शिव के और उसी प्रकार रादिन्यै नमः, सबको आह्लाद प्रदान करने वाली गौरी को नमस्कार, कहकर पार्वती के कंठ प्रदेश की अर्चना करें। महादेवाय नमः, महादेव को नमस्कार, और अनंताय नमः, अनंता को नमस्कार, कहकर क्रमशः शिव पार्वती के दोनों हाथों का पूजन करें। त्रिलोचनाय नमः, त्रिलोचन को नमस्कार, और कालानल प्रियाय नमः, कालाग्नि स्वरूप शिव की प्रियतमा को नमस्कार, कहकर भुजाओं का, तथा महेशाय नमः, महेश्वर को नमस्कार, एवं सौभाग्याय नमः, सौभाग्यवती को नमस्कार, कहकर शिव पार्वती के आभूषणों की पूजा करें। तदंतर अशोक मधु वासिन्ये नमः, अशोक पुष्प के मधु से सुवासित पार्वती को नमस्कार, और ईश्वराय नमः, ईश्वर को नमस्कार, कहकर दोनों के ओष्ठ भाग का, तथा चतुर्मुख प्रियाय नमः, चतुर्मुख ब्रह्मा की प्रिय पुत्र वधु को नमस्कार, और हराय स्थाणवै नमः, पाप हारी स्थाणु स्वरूप शिव को नमस्कार, कहकर क्रमशः गौरी शंकर के मुख का पूजन करें। अर्धनारीशाय नमः, अर्धनारीश्वर को नमस्कार, कहकर शिव की और अमितांगाय नमः, अपरिमित अंगों वाली देवी को नमस्कार, कहकर पार्वती की नासिका का पूजन करें। उग्राय नमः, उग्र स्वरूप शिव को नमस्कार, कहकर लोकेश्वर शिव का, और ललिताय नमः, ललिता को नमस्कार, कहकर पार्वती की भौहों का पूजन करें। शर्वाय नमः, शर्व को नमस्कार, कहकर त्रिपुरारी शिव के, और वासंतीय नमः, वासंती देवी को नमस्कार, कहकर पार्वती के तालु प्रदेश का पूजन करें। श्री कंठनाथाय नमः, श्री कंठ शिव की पत्नी उमा को नमस्कार, और शीति कंठाय नमः, नीलकंठ को नमस्कार, कहकर गौरी शंकर के केश पाश का पूजन करें। भीमोग्राय नमः, भयंकर एवं उग्र स्वरूप धारण करने वाले शिव को नमस्कार, कहकर शंकर के, और सुरुपण्य नमः,
सुंदर रूपवती को नमस्कार कहकर भगवती उमा के शिरोभाग की अर्चना करें। सर्वात्मने नमः, सर्वात्मा शिव को नमस्कार कहकर पूजा का उपसंहार करें। शिव की पूजा के लिए ये पुष्प क्रमशः चैत्रादि मासों में ग्रहण करने योग्य बताए गए हैं। मल्लिका, अशोक, कमल, कुंद, तगर, मालती, कदम, कनेर, नीले रंग का सदाबहार, अम्लान, आंबोली, कुमकुम और सेंधुवार। उमा महेश्वर का पूजन करके उनके सम्मुख अष्ट सौभाग्य द्रव्य रखते, घृत मिश्रित निष्पाव, एक द्विदल, कुसुम्भ, केसर, दुग्ध, जीवक, एक औषधि विशेष, दूर्वा, ईक, नमक और कुस्तुम्बरु, धनिया। ये अष्ट सौभाग्य द्रव्य हैं। चैत्र मास में पहाड़ों के शिखरों का, गंगा आदि का जल पान करके रुद्र देव और पार्वती देवी के आगे शयन करें। प्रातः काल स्नान करके गौरी शंकर का पूजन कर ब्राह्मण दंपति की अर्चना करें और वह अष्ट सौभाग्य द्रव्य ललिता प्रियतायं मम, ललिता मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर ब्राह्मण को दे। व्रत करने वाले को चैत्रादि मासों में व्रत के दिन क्रमशः ये आहार करना चाहिए। चैत्र में श्रृंग जल, झरने का जल, वैशाख में गोबर, ज्येष्ठ में मंदार, आक का पुष्प, आषाढ़ में विल्व पत्र, श्रावण में कुश जल, भाद्रपद में दही, अश्विन में दुग्ध, कार्तिक में घृत मिश्रित दधि, मार्गशीर्ष में गोमूत्र, पौष में घृत, माघ में काले तिल और फागुन में पंचगव्य। ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, वासुदेवी, गौरी, मंगला, कमला और सती चैत्रादि मासों में सौभाग्याष्टक के दान के समय उपयुक्त नामों का प्रियताम मम से संयुक्त करके उच्चारण करें। व्रत के पूर्ण होने पर किसी एक फल का सदा के लिए त्याग कर दें तथा गुरुदेव को तकियों से युक्त शैया, उमा महेश्वर की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा एवं गौ सहित वृषभ का दान करें। गुरु और ब्राह्मण दंपति का वस्त्र आदि से सत्कार करके साधक भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस सौभाग्य शयन नामक व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य सौभाग्य, आरोग्य, रूप और दीर्घायु प्राप्त करता है। यह व्रत भाद्रपद, वैशाख और मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भी किया जा सकता है। इसमें ललितायै नमः, ललिता को नमस्कार, इस प्रकार कहकर पार्वती का पूजन करें। तदंतर व्रत की समाप्ति के समय प्रत्येक पक्ष में ब्राह्मण दंपति की पूजा करनी चाहिए। उनकी 24 वस्त्र आदि से अर्चना करके मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। सौभाग्य शयन की ये दूसरी विधि बताई गई। अब मैं सौभाग्य व्रत के विषय में कहता हूँ। फागुन आदि मासों में शुक्ल पक्ष की तृतीया को व्रत करने वाला नमक का परित्याग करे। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण दंपति का पूजन करके भवानी प्रियताम, भवानी प्रसन्न हो कहकर शैया और संपूर्ण सामग्रियों से युक्त ग्रह का दान करे। ये सौभाग्य तृतीया व्रत कहा गया जो पार्वती आदि के लोगों को प्रदान करने वाला है। इसी प्रकार माघ, भाद्रपद और वैशाख की तृतीया को व्रत करना चाहिए। चैत्र में दमनक तृतीया का व्रत करके पार्वती की दमनक नामक पुष्पों से पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष में आत्म तृतीया का व्रत किया जाता है। इसमें पार्वती का पूजन करके ब्राह्मण को इच्छा अनुसार भोजन करावे। मार्गशीर्ष की तृतीया से आरंभ करके क्रमशः पौष आदि मासों में उपर्युक्त व्रत का अनुष्ठान करके निम्नलिखित नामों को प्रियताम से संयुक्त करके कहें, गौरी, काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कांति, सरस्वती, वैष्णवी, लक्ष्मी, प्रकृति, शिवा और नारायणी। इस प्रकार व्रत करने वाला सौभाग्य और स्वर्ग को प्राप्त करता है। चतुर्थी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं आपके सम्मुख भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले चतुर्थी संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ। माघ के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उपवास करके गणेश का पूजन करें। तदंतर पंचमी को तिल का भोजन करें। ऐसा करने से मनुष्य बहुत वर्षों तक विघ्न रहित होकर सुखी रहता है।
गम स्वाहा, यह मूल मंत्र है। गां नमः आदि से हृदय आदि का न्यास करें। अगच्छोल काय, यह कहकर गणेश का आवाहन और गच्छोल काय कहकर विसर्जन करें। इस प्रकार आदि में गकार युक्त और अंत में उल्का शब्द युक्त मंत्र से उनके आह्वान आदि कार्य करें। गंधादि उपचारों एवं लड्डुओं आदि द्वारा गणपति का पूजन करें। तदंतर निम्नलिखित गणेश गायत्री का जप करें। ओम महोल्काय विघ्नहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत करने वाला शिव लोक को प्राप्त करता है। अंगारक चतुर्थी मंगलवार से युक्त चतुर्थी को गणेश का पूजन करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। फागुन की चतुर्थी को रात्रि में ही भोजन करें। ये अविघ्ना चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। चैत्र मास की चतुर्थी को दमनक नामक पुष्पों से गणेश का पूजन करके मनुष्य सुख भोग प्राप्त करता है। पंचमी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं आरोग्य स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पंचमी व्रत का वर्णन करता हूँ। श्रावण भाद्रपद आश्विन और कार्तिक के शुक्ल पक्ष की पंचमी को वासुकी तक्षक कालिये मणिभद्र ऐरावत धृतराष्ट्र करकोटक और धनंजय नामक नागों का पूजन करना चाहिए। ये सभी नाग अभय आयु विद्या यश और लक्ष्मी प्रदान करने वाले हैं। षष्ठी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं षष्ठी संबंधी व्रतों को कहता हूँ। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को फल मात्र का भोजन करके कार्तिकेय के लिए अर्घ्य दान करना चाहिए। इससे मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त करता है। इसे स्कंद षष्ठी व्रत कहते हैं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि में अक्षय षष्ठी व्रत करना चाहिए। इसे मार्गशीर्ष में भी करना चाहिए। इस अक्षय षष्ठी के दिन किसी भी एक वर्ष निराहार रहने से मानव भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 182वां अध्याय। सप्तमी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं सप्तमी तिथि के व्रत कहूंगा। ये सबको भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अष्टदल अथवा द्वादश दल कमल का निर्माण करके उसमें भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। इससे मनुष्य शोक रहित हो जाता है। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भगवान आदित्य का पूजन करने से समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। पौष मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को निराहार रहकर सूर्य देव का पूजन करने से सारे पापों का विनाश होता है। माघ के कृष्ण पक्ष में सर्वाप्ति सप्तमी का व्रत करना चाहिए। इससे सभी अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। फागुन के कृष्ण पक्ष में नंद सप्तमी का व्रत करना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में अपराजिता सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन और व्रत करना चाहिए। एक वर्ष तक मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष का पुत्रिया सप्तमी व्रत स्त्रियों को पुत्र प्रदान करने वाला है। अष्टमी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं अष्टमी को किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करूंगा। उनमें पहला रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी का व्रत है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र से युक्त अष्टमी तिथि को ही अर्धरात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इसी अष्टमी को उनकी जयंती मनाई जाती है। इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। अतएव भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी को उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। पूजन की विधि इस प्रकार है। आवाहन मंत्र और नमस्कार। आवाहयाम्यहम् कृष्णम् बलभद्रम् च देवकीम् वसुदेवम् यशोदाम् गाह पूजयामि नमोस्तुते। योगाय योगपत्ये योगेशाय नमो नमः। योगादि संभवाय ये गोविंदाय नमो नमः। मैं श्री कृष्ण बलभद्र देवकी वसुदेव यशोदा देवी और गौओं का आवाहन एवं पूजन करता हूँ। आप सबको नमस्कार है। योग स्वरूप
योगपति एवं योगेश्वर श्री कृष्ण के लिए नमस्कार है। योग के आदिकरण उत्पत्ति स्थान श्री गोविंद के लिए बारंबार नमस्कार है। तदंतर भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराए और इस मंत्र से उन्हें अर्घ्य दान करें। यज्ञेश्वराय यज्ञाय यज्ञानाम पत्ये नमः, यज्ञादि संभवाय ये गोविंदाय नमो नमः। यज्ञेश्वर यज्ञ स्वरूप यज्ञों के अधिपति एवं यज्ञ के आदि कारण श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। पुष्प धूप गृहाण देव पुष्पाणी सुगंधिनी प्रियाणी ते सर्व काम प्रदो देव भव में देव वंदित। धूप धूपित धूपम त्वम धूपितस्त्वम ग्रहण में सुगंधि धूप गंधार्यम कुरु माम सर्वदा हरे। देव आपके प्रिय ये सुगंध युक्त पुष्प ग्रहण कीजिए। देवताओं द्वारा पूजित भगवान मेरी सारी कामनाएं सिद्ध कीजिए। आप धूप से सदा धूपित हैं, मेरे द्वारा अर्पित धूप दान से आप धूप की सुगंध ग्रहण कीजिए। श्री हरे मुझे सदा सुगंधित पुष्पों धूप एवं गंध से संपन्न कीजिए। दीप दान दीप दीप्त महादीपम दीप दीप्ति सर्वदा मया दत्तम ग्रहण त्वम कुरु चौदर गतिम च माम। विश्वाय विश्वपतये विश्वशाय नमो नमः, विश्वादि संभवाय ये गोविंदाय निवेदितम। प्रभो आप सर्वदा दीप के समान दैदीप्यमान एवं दीप को दीप्ति प्रदान करने वाले हैं। मेरे द्वारा दिया गया ये महादीप ग्रहण कीजिए और मुझे भी दीप के समान ऊर्ध्व गति से युक्त कीजिए। विश्वरूप विश्वपति विश्वेश्वर श्री कृष्ण के लिए नमस्कार है, नमस्कार है। विश्व के आदि कारण श्री गोविंद को मैं ये दीप निवेदन करता हूँ। शयन मंत्र धर्माय धर्मपतये धर्मेशाय नमो नमः, धर्मादि संभवाय ये गोविंद शयनम कुरु। सर्वाय सर्वपतये सर्वशाय नमो नमः, सर्वादि संभवाय ये गोविंदाय नमो नमः। धर्म स्वरूप धर्म के अधिपति धर्मेश्वर एवं धर्म के आदि स्थान श्री वासुदेव को नमस्कार है। गोविंद अब आप शयन कीजिए। सर्वरूप सबके अधिपति सर्वेश्वर सबके आदि कारण श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। तदंतर रोहिणी सहित चंद्रमा को निम्नांकित मंत्र पढ़कर अर्घ्य दान दे। क्षीरोदान वसंभूत अत्रि नेत्र समुद्भव ग्रहणार्घ्यम शशांके दम रोहिण्या सहितो मम। क्षीर समुद्र से प्रकट एवं अत्रि के नेत्र से उद्भूत तेज स्वरूप शशांक रोहिणी के साथ मेरा अर्घ्य स्वीकार कीजिए। फिर भगवती ग्रह को वेदिका पर स्थापित करें और चंद्रमा सहित रोहिणी का पूजन करें। तदंतर अर्धरात्रि के समय वसुदेव देवकी नंद यशोदा और बलराम का गुड़ और घृत मिश्रित दुग्ध धारा से अभिषेक करें। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा में उन्हें वस्त्र और सुवर्ण आदि दे। जन्माष्टमी का व्रत करने वाला पुत्र युक्त होकर विष्णु लोक का भागी होता है। जो मनुष्य पुत्र प्राप्ति की इच्छा से प्रति वर्ष इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह पुम नामक नरक के भय से मुक्त हो जाता है। सकाम व्रत करने वाला भगवान गोविंद से प्रार्थना करे। प्रभो मुझे पुत्र धन आयु आरोग्य और संतति दीजिए। गोविंद मुझे धर्म काम सौभाग्य स्वर्ग और मोक्ष प्रदान कीजिए।